वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्नैक बाइट के बारे में कि एक्चुअल में स्नैक बाइट क्या होता है, स्नैक बाइट कितने टाइप्स का होता है और जो स्नैक का वेनम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से पॉइजनस स्नैक होते हैं और गाइस यहाँ पर स्नैक बाइट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्नैक बाइट में क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या इसके प्रिवेंशन हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल में स्नैक बाइट क्या है। गाइस यहाँ पर क्या है, जब भी कोई स्नैक बाइट करता है तो वो हमारे बॉडी के स्किन पर बाइट करता है। जब भी कोई स्नैक बाइट करता है तो स्किन पर एक स्मॉल वुंड देखने को मिलता है, जो स्किन है वो पंचर हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर स्मॉल वुंड क्रिएट हो जाता है। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पर क्या है कि जो स्नैक बाइट है ये एक मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, जो स्नैक बाइट्स होती हैं ये एक मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं। अगर जो स्नैक है वो कोई पॉइजनस स्नैक बाइट करता है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को स्नैक ने बाइट किया है, किसी पर्सन को अगर पॉइजनस स्नैक ने बाइट किया है, वेनेमस स्नैक ने बाइट किया है, तो अगर उस पेशेंट को क्विकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड ना किया जाए तो उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके जैसा कि आपको ये सारी चीज़ें भली भांति पता हैं। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर क्या है कि जो स्नैक बाइट होता है ये अगर चिल्ड्रंस में होता है, अगर कोई वेनेमस स्नैक चिल्ड्रन को बाइट करता है तब चिल्ड्रंस में डेथ होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस में बहुत ही जल्दी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा डेथ होने का रिस्क क्यों होता है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस की बॉडी होती है उसका साइज स्मॉल होता है और जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो पूरे बॉडी में बहुत ही जल्दी फैल जाता है, इसलिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो है डेथ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ओके अब बात करते हैं स्नैक बाइट्स के टाइप की। भाई जो स्नैक बाइट होता है कितने टाइप्स का होता है, गाइस यहाँ पर जो स्नैक बाइट है ये मोस्ट कॉमनली जो है दो टाइप का होता है, जो स्नैक बाइट है ये दो टाइप का होता है। अब दो में से जो एक स्नैक बाइट होता है ये सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स की। तो यहाँ पर जो स्नैक बाइट होता है ये दो टाइप का होता है, जो फर्स्ट है वो है ड्राई बाइट्स और सेकेंड है वेनेमस बाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ड्राई बाइट्स की। तो यहाँ पर ड्राई बाइट्स उसको बोलते हैं जब भी कोई स्नैक बाइट किया, ठीक है, जब भी कोई स्नैक बाइट किया और स्नैक बाइट करते समय जो वेनम है उसने स्किन के अंदर इंजेक्ट नहीं किया तो उसको हम लोग ड्राई बाइट्स बोलते हैं। और ये ड्राई बाइट्स जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है नॉन वेनेमस स्नैक में देखने को मिलता है। जो नॉन वेनेमस स्नैक्स होते हैं उनमें जो है ड्राई बाइट्स देखने को मिलता है, या फिर वेनेमस में भी ड्राई बाइट्स देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा स्नैक है जो वेनेमस है, उसने जो है बाइट करते समय वेनम को इंजेक्ट नहीं किया तो उसको भी हम लोग ड्राई बाइट्स बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सेकेंड वेनेमस बाइट। गाइस यहाँ पर जो वेनेमस बाइट होता है ये मोर डेंजरस होता है, क्योंकि वेनेमस बाइट में क्या होता है, जब भी स्नैक बाइट करता है तो स्नैक बाइट करते समय जो वेनम होता है वो स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो जो वेनम होता है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सीरियस होने लगती है। ठीक है, तो जो वेनेमस बाइट होता है ये मोर डेंजरस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ स्नैक वेनम की, कि भाई जो स्नैक के अंदर वेनम होता है या फिर कह सकते हैं कि स्नैक के अंदर जो पॉइजन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो गाइस यहाँ पर जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेनम है, किस टाइप के स्नैक ने बाइट किया है, उसके बेस पर जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ वेनस स्नैक बाइट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टॉक्सिन।
किस टाइप का टॉक्सिन है उसके बेस पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो स्नैक का वेनम होता है इसको फोर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट है वो है कार्डियोटॉक्सिन। जो कार्डियोटॉक्सिन होता है ये एक टाइप का स्नैक वेनम होता है। ये जो कार्डियोटॉक्सिन वेनम होता है ये हार्ट के टिश्यूज पर एक्ट करता है। जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हार्ट का फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है और हार्ट जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो स्नैक वेनम का टाइप है वो है न्यूरोटॉक्सिन। जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये जो टॉक्सिन होता है ये नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण पेशेंट में पैरालिसिस देखने को मिलने लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड वेनम का टाइप है वो है साइटोटॉक्सिन। जो साइटोटॉक्सिन होता है ये क्या करता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग कॉज करता है और धीरे धीरे बॉडी के जो टिश्यूज हैं एक स्पेसिफिक एरिया के वो डैमेज होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो स्नैक वेनम का टाइप है वो है हीमोटॉक्सिन। जो हीमोटॉक्सिन है ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी का ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। मोस्ट कॉमनली जो हमारा हेड होता है, हेड के अंदर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके, तो ये चार टाइप का स्नैक के वेनम होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो स्नैक का पॉइजन होता है ये चार टाइप का होता है। इसके अकॉर्डिंग पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्नैक्स होते हैं जो वेनेमस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्नैक होते हैं जो वेनेमस होते हैं यानी पॉइजनस होते हैं। कई सारे हमारे इंडिया में ऐसे स्नैक्स होते हैं जो नॉन वेनेमस होते हैं, जिनके अंदर जो है पॉइजन नहीं होता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जिनके अंदर पॉइजन होता है यानी वेनेमस स्नैक होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेनेमस स्नैक है वो है कोबरा। ठीक है, कोबरा के अंदर पॉइजन होता है। और सेकंड जो है वो है कॉपर हेड, और थर्ड जो है वो है कोरल स्नैक और कॉटन माउथ, इसके साथ साथ रेटल स्नैक। ये जो हैं स्नैक ये वेनमस स्नैक होते हैं। ये स्नैक अगर किसी भी पर्सन को बाइट करते हैं तो उनमें जो है डेथ हो सकती है, अगर उनको प्रॉपर क्विकली ट्रीटमेंट ना दिया जाए। ओके, इसके साथ साथ कई सारे वेरियस टाइप के वेनेमस स्नैक जो है आपको जू के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि भाई जो स्नैक बाइट का क्या क्या सिम्टम्स होता है, स्नैक बाइट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे जब भी कोई पॉइजनस स्नैक बाइट करेगा। ठीक है, ये जो सिम्टम्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये तब देखने को मिलेंगे जब किसी पर्सन को पॉइजनस स्नैक ने बाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड, जिस साइट पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर वुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेशेंट में जिस एरिया पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर बर्निंग देखने को मिलेगी, स्किन में बर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पेशेंट में डायरिया देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ पेशेंट में फेंटिंग एंड कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे, मतलब सीजर्स देखने को मिलेंगे, पेशेंट में डिजीनेस देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ पेशेंट में एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और फैंक मार्क इन द स्किन, स्किन पर फैंक मार्क देखने को मिलेंगे। फैंक मार्क का मतलब जो स्किन होगी जहाँ पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर टू स्मॉल जो है वुंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेशेंट में इंक्रीज थ्रस्ट देखने को मिलेगा। और कुछ यहाँ पर सिम्टम्स हैं जैसे कि लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, रैपिड पल्स देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ पेशेंट में नंबनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलेगी, और स्नैक बाइट में सीवियर पेन देखने को मिलेगा, पेशेंट में स्वेलिंग देखने को मिलेंगी और जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ होने लगेगी। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है स्किन डिसकलरेशन, पेशेंट में स्किन डिसकलरेशन देखने को मिलेगा, जो स्किन है वो ब्लूइश कलर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
पेशेंट में फीवर रहेगा और पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको स्नैक बाइट में एक पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एड की कि भाई स्नैक बाइट में फर्स्ट एड मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट एड की बात करें तो सबसे पहले जो स्नैक बाइट के पेशेंट होते हैं उनमें मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। उनको जो है मोमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो मोमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, बॉडी में जो पॉइजन है वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होगा, ठीक है भाई। अगर मोमेंट करेंगे तो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो पॉइजन जो है बॉडी पूरे बॉडी में फैलने लगेगा। तो सबसे पहले मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। कीप द अफेक्टेड एरिया बिलो हार्ट लेवल टू रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ वेनम। जिस एरिया में स्नैक ने बाइट किया है उस एरिया को जो है कोशिश करें कि उस एरिया को हार्ट के लेवल से नीचे रखें, ठीक है, जिससे जो वेनम का फ्लो है वो स्लो रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इफ़ द एरिया ऑफ बाइट बिगन टू स्वेल एंड चेंज कलर। जिस एरिया में स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर अगर स्वेलिंग हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो स्नैक ने बाइट किया है वो पॉइजनस है, ठीक है, वो पॉइजनस स्नैक ने बाइट किया है। तो यहाँ पर ये जो है प्रोबेबल साइन है, जो स्वेलिंग और कलर अगर चेंज हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है तो ये जो है पॉइजनस स्नैक के प्रोबेबल साइन है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को जो वाइटल साइंस है वो मॉनिटर करना है, जैसे कि टेम्परेचर है, पेशेंट का पल्स है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट है और ब्लड प्रेशर है। ये सारी चीज़ें पेशेंट की कंटिन्यू मॉनिटर करना है। गेट मेडिकल हेल्प राइट वे, पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल सके। स्नैक बाइट में क्या होता है कि एंटी वेनम का इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डू नॉट वेस्ट टाइम हंटिंग फॉर द स्नैक। अगर स्नैक ने बाइट किया है तो उसको जो है हंटिंग में बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना है। नेक्स्ट क्या है, वॉश द बाइट विथ सॉप एंड वाटर। जिस जगह पर स्नैक ने बाइट किया है उस एरिया को सॉप और वाटर से जो है वॉश आउट करना है, ठीक है। कवर द बाइट विद क्लीन, किसी क्लीन क्लोथ से या फिर ड्राई ड्रेसिंग से उस एरिया को कवर कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डू नॉट स्नैक बाइट। हमने बात किया कि फर्स्ट एड में बात किया कि भाई स्नैक बाइट में क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो स्नैक बाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या करना है, डू नॉट अलाउ द पर्सन टू बिकम ओवर एग्जर्टेड। पेशेंट को जो है कोई भी वर्क एक्टिविटी नहीं करने देना है, उसको बहुत ज़्यादा जो है हाइपर नहीं होने देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर पेशेंट ओवर एग्जर्टेड होगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे जो वेनम है, जो पॉइजन है वो बॉडी में जल्दी फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, डू नॉट अप्लाई ए टर्निक्वेट। पेशेंट में टर्निक्वेट नहीं अप्लाई करनी है। डू नॉट अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द स्नैक बाइट। जिस जगह पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर कोई भी कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई ना करें। डू नॉट कट इन टू स्नैक बाइट विद ए नाइफ और रेजर। जिस जगह पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर कोई भी नाइफ या फिर रेजर से कट ना लगाएं, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम बाई माउथ। तो जब भी स्नैक ने जिस जगह पर स्नैक ने बाइट किया है वहाँ पर जो है किसी भी टाइप का जो है सकिंग ना करें, ठीक है। आपने कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो जब भी स्नैक बाइट करता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ में जो भी साथी होता है वो वेनम को माउथ से सक करता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बाद क्या है, डू नॉट गिव द पर्सन स्टिमुलेट और पेन मेडिकेशन। पेशेंट को बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करनी है। डू नॉट गिव द पर्सन एनीथिंग बाय माउथ। पेशेंट को कोई भी जो है कोई भी फूड वगैरह या भी कोई भी ईटिंग मटेरियल जो है उसको माउथ के थ्रू नहीं देना है। डू नॉट राइज द साइट ऑफ बाइट अबव द लेवल ऑफ पर्सन हार्ट, ठीक है। जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि
कि जिस जगह पर स्नैक ने बाइट किया है उस एरिए को हार्ट से लेबल जो है उसका नीचे रखें, जिससे क्या होगा, जो वेनम का फ्लो होगा वो रिड्यूस रहेगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि भाई स्नैक बाइट में पेशेंट को क्या प्रिवेंशन दिया जाता है, कैसे हम स्नैक बाइट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नैक बाइट को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, अवॉइड एरियाज वेयर स्नैक मे बी हाइडिंग, ऐसे एरिया को अवॉइड करना है जहाँ पर जो स्नैक्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। अवॉइड पिकिंग अप और प्लेइंग विद ए स्नैक, अगर कोई भी स्नैक है उसको उससे किसी भी टाइप की प्लेइंग एक्टिविटी ना करें। अगर आप अनट्रेंड पर्सन हैं, अगर आपको स्नैक्स के बारे में नहीं पता है और उनको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उनसे भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी ना करें, ओके। डोंट प्रोक ए स्नैक, किसी भी स्नैक को प्रोवोक ना करें, प्रोवोक का मतलब यहाँ पर उसको स्टिमुलेट ना करें, उत्तेजित ना करें, किसी भी टाइप की उससे गलत एक्टिविटी ना करें जिससे जो आपको स्नैक बाइट करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप अहेड ऑफ यू विद ए वॉकिंग स्टिक बिफोर इंटरिंग एन एरिया वेयर यू कैन नॉट सी योर फिट। मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ पर आपको पैरों के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस एरिया में जाने से पहले आपको स्टिक से टैप करना है ताकि अगर कोई भी स्नैक वगैरह हो तो वहाँ से वो भाग जाएँ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्नैक्स विल ट्राई टू अवॉइड यू इफ़ गिवन इनफ वार्निंग, अगर आप पहले से स्नैक को वार्निंग दे देते हैं तो वो जो है स्नैक बाइट को अवॉइड कर सकते हैं, ओके। व्हेन हाइकिंग इन एन एरिया नोन टू हैव स्नैक्स, मान लीजिए आप ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर स्नैक्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्नैक्स पाए जाते हैं, तो उस एरिया में जब भी आप जाएं तो वहाँ पर आप लॉन्ग पैंट और जो है लॉन्ग पैंट के साथ साथ बूट, ये दो चीज़ें आपको वियर करना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप जो है स्नैक बाइट से प्रिवेंट हो सकते हैं, ओके। सो गाइस, ये था स्नैक बाइट, आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस पीडीएफ नोट्स को बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।